नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। एक बार फिर सिरसा जिला के चोपटा क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी चिंता की बात है कि टिड्डी दल ने एक बार फिर यहां पर दस्तक दे दी है। खेड़ी गांव के अंदर टिड्डी दल आज लगातार दूसरे दिन यहां पर पहुंची है। खेड़ी गांव के अंदर यहां पहुंच चुकी है काफ़ी ज़्यादा संख्या में। अभी 15 मिनट पहले ही खेड़ी गाँव के अंदर टिड्डी दल पहुँचे है और अब ये टिड्डी दल जो चोपटा क्षेत्र के गांव है, चाहे उसमें कुम्हारिया हो, राजपुरा सानी है, जसानिया है, कागदाना है, चाहे गिगोरानी है, इन गांव की तरफ हवा का बहाव के तहत इधर ये जा रही है। इसलिए इन किसानों के लिए भी बड़ी चिंता की बात है कि इस तरह का ये खतरा इनके लिए भी अब मंडराना शुरू हो चुका है। यहाँ बता दें कि खेड़ी गाँव में लगातार अब तीसरी बार ये टिड्डी दल की तरफ से हमला हुआ है। टिड्डी दल जो यहाँ पहुँचा है, इसको लेकर किसान किस तरह से क्या प्रयास कर रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, कितनी देर पहले यहाँ टिड्डी दल पहुँचा है? यहाँ पर देख लो भाई जी, 10-15 मिनट पहले टिड्डी पहुँचा है। अच्छा, तो हम हमारे घरों में जाकर रोटियाँ पानी करने लगे तो लोगों ने घंटी मारी कि भाई आपके खेत में बहुत ज़्यादा टिड्डी आ गई। तो मैं वहाँ से 2-3 किलोमीटर यहाँ से दूर मेरी डाणी है, वहाँ से भाग कर यहाँ आया हूँ और टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास किया तो कुछ उड़ी हैं, कुछ रह गई और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने लग रही है। कड़े मान लो मूँग खा गई, कड़े बाजरी खा गई, तो कोई मान लो आगी सुविधा कौन मिलने लग रही है। यहाँ कितनी बारिश से पहले भी कभी टिड्डी आई है क्या? ये टिड्डियाँ तीसरी बार आई है भाई साहब। अच्छा, आज से 4 दिन पहले आई, फिर कल आई, आज फिर आई, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुए। कृषि विभाग की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं इसको भगाने के लिए? इसको भगाने के लिए थालियाँ बजाई गई हैं, पिंपे बजाए गए हैं और कुछ मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, उनसे भी भगाई गई है। कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ आए हैं या उन्होंने क्या प्रयास किया है? उसने जी आज से 3 दिन पहले तो कोई स्प्रे स्प्रे करवाई, मान लो एक दो आन दे के गया और आज मान लो आगे तो आया कोई नहीं, आ रही होगा बेचारा। तो बिल्कुल ये यहाँ पर टिड्डी दल ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। ये बता रहे हैं कि लगातार तीसरी बार इनके गांव के इस रकबे के अंदर टिड्डी दल पहुँचा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको हो रहा है और अभी भी सिरसा जिला के चोपटा क्षेत्र के जो नज़दीकी गांव है उस साइड में काफ़ी ज़्यादा टिड्डी दल के पहुँचने की आशंका लग रही है, क्योंकि हवा का बहाव है और अभी राजस्थान सीमा से सटे हुआ एरिया ये लगता है और यहाँ से टिड्डी दल अब ये पहुँची है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से टिड्डी दल अब हवा का जो रुख है उस हिसाब से जो कुम्हारिया गांव है, इसके अलावा राजपुरा सानी है, खेड़ी है और गुसाइयाना है और इसके अलावा कागदाना है और जसानिया है, इन गांव के अंदर भी टिड्डी दल दोबारा से जा सकता है, ऐसी पोजीशन यहाँ पर अभी तक लग रही है। तो कुछ और किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? सोनू नाम है भाई। कितना नुकसान हुआ है? टिड्डी दल पहले भी आई है, अब दोबारा फिर? हाँ, अभी 2-3 दिन से लगातार आ रही है। अच्छा, और नुकसान अभी तो वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कितना नुकसान हुआ, बट नुकसान है सीधी सी बात है। भगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भगाने के लिए वैसे तो कोई खास कुछ नहीं कह सकते, बस अपने स्तर पर किसान अपने जो भी वैसे है उन पर काम किया जा रहा है। और वैसे किस तरह से भगा, किस तरह से? हाँ, भगा रहे हैं, बस जिनके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर से बस ये थोड़ा बहुत जो साउंड का प्रयोग किया जा रहा है, वैसे कोई खास स्प्रे वगैरह वो तो कोई सिस्टम है नहीं। कृषि विभाग की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? कृषि विभाग प्रशासन ने एक दिन बस फर्स्ट टाइम एक्शन लिया था, उसके बाद तो कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, हाँ, पहले दिन आया था उस टाइम रात को थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया था प्रशासन की तरफ से, उसके बाद में कोई। क्या मांग करते हो अभी आप प्रशासन से? प्रशासन से वैसे प्रशासन भी इस पर क्या कर सकता है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता इस पर, तो ये तो इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उन पर थोड़ा बहुत गौर किया जा सकता है, वैसे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। प्रशासन अगर रात के टाइम पर कोई ऑपरेशन हो तो ही प्रशासन कर सकता है, ये हवा में फ्लोट कर रही है तो क्या कर सकता है प्रशासन, प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, आज तीसरी बार, अभी 10-15 मिनट पहले ही फ़ोन आया गाँव में कि ऐसे सिटीडिया नेठाड़ा साइड से आ रही है और अभी की बार तो बहुत बड़ा झुंड आई है, पूरा एक साइड पूरा कवर कर रखा है। क्या प्रयास कर रहे हो आप इसको? प्रयास तो यही है जी, थाली वगैरह बजा रहे हैं और खड़का वगैरह कर रहे हैं, गाड़ियाँ ये मोटरसाइकिल है ये ट्रैक्टर है सब दौड़ा रहे हैं, हैं, और बाकी छिड़काव भी कर रहे हैं ये दवाइयों का भी, पर इनका कोई असर नहीं हो रहा जी।
और वैसे भी ये खेड़े गांव तो मतलब बॉर्डर के बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ वैसे पिछले बार अब की बार डाउन ही था बरसात की वजह से, बरसात भी लेट हुई थी और बचा खुचा ये अब की बार टिड्डियों ने तीसरी बार हमला किया है, बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है इसका। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।